अच्छा
يلا हां जी हमारे भगत जी संजीव कुमार जी अपने सतगुरु जी के मोहन बाबा जी को 11000 11000 रुपए से अपने सतगुरु की बिदाई कर रहा है मोहन बाबा जी की और इनके सगे मामा जी भी हैं जी पर नहीं गुरु तो गुरु हुआ उना की जोड़े समेत और पगड़ी समेत सारे कपड़े से दान करे बड़े मान सम्मान करे जी अपने सतगुरु का बोलो सच्चे दरबार की जय बाबे गोरखनाथ की जय उगे छत्री जहर पीर की जय माता बाछन की जय अमीर आदमी किसी को मान ले चिड़कना या चामना या बंदूक द्वार नहीं जी जो हम आज कार्या उन्हें दरबार में कर रहे हैं दरबारों में किसी को कड़ी दिखी है पान जा है मेरा स्किल वह मेरी ती पुत्ता की लाइन लग और गुरु पीर की समझे आज हम यू पगड़ी बांध रहे हैं इसकी इज्जत तनु रख ली है जी इसकी इज्जत अगर मारा देवता काम ना करा जल्दी बोल सच्चे दरबार की जय मम्मा कहेगा जो मर्जी की जय की बाद में मम्मा कहेगा छा ये भी ले ली कोई ना दिक्कत नहीं तो अंबाला ना तो बता दे देना ये तो मान जो ना तो नहीं कर रहा है भाई ना तो मम्मा ना तो बाद में यही पहले गर्म का हो गया ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਪਗੜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੂ ਮਾਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਟਿਕਟ ਟਿੱਕਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਬਣ ਕੌਣ ਪਗੜੀ ਆਵਾਂ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਬੁੜੇ ਅੱਜ ਜੀ ਕੌਣ ਬੁੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਸਤਨ ਬੰਨ੍ਹਨੇ ਪੜੇਗੀ हाँ जी हमारे बाबूजी पग जी 1100 रुपये एक सूट अपनी मासी को कृष्णा देवी का वाहन करे ये मानसवारी हो
चौंकी भी खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और यात्रा भी अच्छे से हो चुकी है। चलो चलते हैं अब ट्रैवलर में वापस। ठंड बहुत ज्यादा है, भूख लग रही है, खाना खाना है, खाना खाना है, खाना बनाना भी है, अभी तो बनाना भी है। बागड़ यात्रा और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। जय जयकार वीर महाराज। खाना वगैरह खा के हम निकलेंगे घर की तरफ। हो रही है पैकिंग, जा रहे हैं घर पे। सब थक गए हैं, ठंड भी बहुत हो रही है। फैंटा विद पकोड़े, गरम सर्द का स्वाद लेते। अरे चाय है क्या है? ऑरेंज टी। रात को बस में पीछे बैठे खा रहे हैं मालू। रात के 2 बजे चाय बन रही है मालवाल गुगमाड़ी पे। रात के 2:30 बजे हम खा रहे हैं कोई शहनाई आलू चौड़।